अस्सलामुअलैकुम। गोल्ड इस वक्त 1768 के आसपास चल रहा है। 1760 के आसपास के गोल्ड ने आज लो बनाए हैं। तो अभी जो रिसेंटली यूएस का डाटा आया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स, जिनकी फोरकास्ट थी इस दफ़ा 0.2% और नंबर आए हैं बिलो फोरकास्ट, -1.3%। तो ये जो डाटा है ये गोल्ड के लिए स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन याद रहे कि ये कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। तो चलें जी, हम चार्ट पर ही चलते हैं। तो अगर हम देखें तो आज हमें कोई ख़ास मूवमेंट अभी तक मार्केट में नज़र नहीं आई। तो अभी भी जो हमारे मॉर्निंग वाले लेवल हैं वो गोल्ड में इंटैक्ट है। रजिस्टर्स हमारी अभी भी 1780 है, इसे आप 1780 1778 कह सकते हैं। अगर गोल्ड 1780 ब्रेक करेगा तो ही गोल्ड पॉजिटिव होगा और 1719 और 1800 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो स्पोर्ट है हमारी वो अभी भी इंटैक्ट है, $1750 की। अगर गोल्ड इसको ब्रेक करेगा तो 1740, 1730 और 1720 तक जा सकता है। अगर हम देखें तो गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही चल रहा है, अभी भी गोल्ड का ट्रेंड वीक ही है। तो कल जो मॉर्निंग वीडियो होगी उसमें हम डिटेल से फिर तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं जी यूरो पर। तो यूरो इस वक्त 16.07 के आसपास चल रहा है, 16.12 के आसपास के हाई बनाए हैं यूरो ने। तो अभी भी यूरो में जो हमारी रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है, 16.20 की हमारी रेजिस्टेंस है यूरो में आज। अगर यूरो 16.20 ब्रेक करेगा तो यूरो 16.40 और 16.65 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अब जो हमारी सपोर्ट रहेगी यूरो में वो रहेगी 1570 की, 1517। अगर 1570 ब्रेक करेगा तो 1550 और 1520 तक जा सकता है। यूरो का ट्रेंड फिलहाल साइडवेज ही है। ये है जी पाउंड का चार्ट, 37.30 के आसपास चल रहा है। इसमें जो अब हमारी रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 37.60 की। अगर 37.60 पाउंड ब्रेक करता है तो 37.80 और 3800 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी अब पाउंड में वो रहेगी राउंड फिगर 3700 की। अगर 3700 ब्रेक करता है तो 3690 और 3670 तक जा सकता है। पाउंड फिलहाल भी पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। ये है जी यूएसडी जेपीवाई। इसमें भी अभी हमारे जो लेवल्स हैं वो इंटैक्ट हैं। सपोर्ट अभी भी हमारी राउंड फिगर 114 की है। 114 ब्रेक करेगा तो ही फिर अच्छी सेलिंग आ सकती है, जो 1370 और 1325 तक लेकर जा सकती है। दूसरी साइड पर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है, 114.50-55 की। इसको अगर ब्रेक करेगा तो 115 और 115.40 तक जा सकता है। यूएसडी जेपीवाई अभी भी पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। ये है जी सिल्वर का चार्ट, 23.20 के आसपास चल रही है। इसमें जो हमारी सपोर्ट है वो $23 राउंड फिगर की है। अगर दोबारा से 23 या आप कह सकते हैं कि 22.90 ब्रेक करती है तो फिर 22.70 और 22.50 तक जा सकती है। दूसरी साइड पर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है, 23.55 या 60 आप कह सकते हैं। इसके ऊपर ही फिर बाइंग आएगी, जो 23.80 और 24 तक लेकर जा सकती है। सिल्वर भी फिलहाल भी वीक जोन में ही चल रही है। ये है जी यूएस ऑयल, 84 की हमारी रेजिस्टेंस थी। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो हाई बनाए हैं उसने 83.85 के बनाए हैं। तो उसके बाद फिलहाल भी 83.50 के आसपास चल रहा है। रेजिस्टेंस अभी भी हमारी $84 की है। 84 ब्रेक करेगा तो 84.50 और 85 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो अब हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $82.30 की, यानी कि 82.30 की। अगर 82.30 ब्रेक करता है तो 81 तक जा सकता है। यूएस ऑयल अभी भी पॉजिटिव जोन में ही चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।